तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ओम दुबे और मैं आज आपके लिए एक और फोटो लेकर आया हूँ। अगर आपको भी अपनी फोटो कुछ इस प्रकार से भेजें महाजी जैसा बनाना है तो प्लीज़ देखते रहिएगा मेरे वीडियो लास्ट तक। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिए, साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, फोटो एडिट करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से पोज में आपको खिंचवा लेना अपनी फोटो को और फिर बाद में आपको इसको इरेज कर लेना है, ठीक है। अगर आपको नहीं बनता कि कैसे इरेज करते हैं बैकग्राउंड को अपने मॉडल का, तो आपको यहाँ पे ऊपर में मैं आई बटन में आपको लिंक वीडियो दे दूंगा, तो आप उसको देख के इरेज कर लीजिएगा। तो इसके बाद में मैं आपको दे दूंगा ये वाली जो बैकग्राउंड है इसकी लिंक दे दूंगा आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसको हम लोग शेयर कर लेते हैं अपने पिक्सआर्ट में। हमारा बैकग्राउंड है ये ओपन हो चुका है अपने पिक्सआर्ट में। तो इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप क्या करना है आपको, यहाँ से ऐड फोटो करना है और जो आपने अभी पीएनजी क्रिएट किए हो तो उसको आप यहाँ से कर लीजिएगा ऐड। और फिर बाद में आपको यहाँ पे इसको कर लेना है एडजस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला हमारा जो मॉडल है उसका एक थोड़ा लैग नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो अजीब सा लगेगा। तो इसको मैं ऐसा बना देता हूँ, आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, ठीक है। आप फुल फ़ोटो खिंचवा लीजिएगा तो और एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, ये एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा इसमें इफेक्ट आ रहा है थोड़ा धूप का, तो इसको हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। तो रुकिए एक मिनट, इसको हम कम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है। इसके बाद में हम यहाँ से कर लेते हैं डन, तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं डन। तो हमारा मॉडल जो है ये ऐड हो चुका है अपने बैकग्राउंड में। तो इसके बाद में आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं है, अपना पिक्सआर्ट का काम हो चुका है। हम लोग अपने लाइट टू मैप में ओपन हो जाएंगे यहाँ से। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर लेंगे यहाँ पर और इसको कर लेंगे क्या सेव। तो यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ से कर लेंगे सेव और अपने लाइट मैप को यहीं से ओपन कर लेंगे। तो रुकिए एक मिनट, थोड़ा सेव हो रहा है। तो ये सेव हो चुका है और उसके बाद में यहाँ से हम लोग अपनी लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से अपने फ़ोटो कर लेना है ऐड। और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो ये ऐड हो चुकी है यहाँ से। तो हम लोग इसको कर लेंगे यहाँ से ओपन। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो आ चुकी है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं ओपन। और फिर बाद में आपको क्या क्या करना है मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से थोड़ी सी हमको क्लियरिटी बढ़ा लेना है और इसे भी हम बढ़ा के देखते हैं अगर अच्छी लगेगी हमारी फ़ोटो। तो विगनेट ज़्यादा कुछ कर यहाँ पर कुछ नहीं करता क्योंकि यहाँ पर फिर इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। अगर आपको करना है तो आप कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसा इफेक्ट में बहुत शानदार लगेगी फ़ोटो। और यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फेस वाइट करके देख लेते हैं और जो हमारा एवेंजर लिखा है ए बना है जो, उसको थोड़ा सा और ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया लगेगा। और अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ से कर लेता हूँ डन और यहाँ पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैं। तो इसको थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ और इसे कम करता हूँ और इसे भी कम करके देखता हूँ। तो ये हम लोग कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। तो ये हो चुका है और आपको कुछ और करना है तो आप कर लीजिएगा अपनी फ़ोटो के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो ये हो चुका है और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सॉरी, और देखिए ये हमारी फ़ोटो पिक्सआर्ट में कुछ इस प्रकार से थी और हमने लाइटरूम में ऐसा कर लिया हमारी फ़ोटो को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर दीजिए और साइड का बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फोटो सेव करने के लिए यहाँ पर जाते हैं हम लोग थ्री डॉट में और यहाँ से कर लेते हैं सेव टू डिवाइस और यहाँ से कर लेते हैं हाई रेजोल्यूशन में ओके। तो हमारी फ़ोटो यहाँ पर सेव हो रही है। तो मिलते हैं हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।